जालौन में उरई मुख्यालय के विकास भवन सभागार में सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने अधिकारियों को बताया कि जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के संवेदनशील बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करें ताकि मतदान के दौरान कोई परेशानी न हो। वहीं ईवीएम और वीवीपैट मशीन को मतदान के पूर्व और मतदान के बाद सील करने के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ले। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि सभी अपने अपने कार्यों को 4 भागों में विभाजित करते हुए मतदान को संपन्न कराएं। बैठक में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। मैम, आज मीटिंग की गई है बूथ्स को लेकर, कितने मैम क्रिटिकल हैं और कितने अवेलेबल, मैम क्या दिशा निर्देश दिए हैं? आज हमारे यहाँ कुल सभी एसडीएम्स और आरओज और सीओज के साथ ही सारे एसएचओज और संबंधित जो अधिकारी हैं उनकी एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जो हमारी फोर्स आ रही है चुनाव संबंधी विभिन्न विद्यालयों में रुकेगी तो उसमें पर्याप्त आधार संरचना हो। इसके साथ ही प्रत्येक थानाध्यक्ष और जो हमारे आरओज हैं वो एक मीटिंग कर लें कि उनके एरिया में कितने सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, कितने स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, कितने क्रिटिकल और वल्नरेबल हैं, ताकि सभी की तैयारी जो है वो चुनाव की पर्याप्त हो सके और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। मैम, कुछ अभी काउंटिंग हुई है, कितने बूथ जो है संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में आ रहे हैं? हमारे यहाँ लगभग 21 मजरे हैं जो कि वल्नरेबल जहाँ पर लोग रहते हैं, इसमें 67 जो है हमारे इंटिमिडेटर हैं और 187 वल्नरेबल हैं, और इसके साथ ही जो हमारे मानक थे उनके आधार पर क्रिटिकल बूथ को भी चिन्हित किया गया है। उन बूथों के लिए कुछ खास दिशा निर्देश आपके? हाँ, उन इसके अतिरिक्त हमने यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि इनके अतिरिक्त भी कोई संवेदनशील है तो वहाँ पर हम स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करेंगे। कुल हमारे यहाँ 188 सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो नियुक्त किए गए हैं, और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को किस थानाध्यक्ष के क्षेत्र में कौन सा सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त है, इसके लिए संबंधित एसडीएम्स को निर्देशित कर दिया गया है कि एक संयुक्त बैठक कराएं।